हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक आपका लवर कौन है, सेकंड टॉपिक वो आपसे दूर तो नहीं जाएगा, और लास्ट टॉपिक वो आपकी लाइफ में वापस आएगा या नहीं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाले टॉपिक के, आपका लवर कौन है, ये टॉपिक बोला था ये वाले सब्सक्राइबर ने। सो अगर आपको आंसर देखना है तो 1, 2 या 3 में से नंबर चूज़ करना है, उसके बाद आंसर देखेंगे आपका। सबसे पहले आपके लिए आंसर है नंबर 2 का, देखते हैं इसमें क्या लिखा है आपका। वही है आपका लवर जिसे आप लाइक करते हो, जिसे आप पसंद करते हो, वही है आपके लवर। देन इसके बाद आपके लिए आंसर है नंबर 1 को, चूज़ करने वालों का आंसर है ये, आपका लवर कोई नहीं है, अभी कोई भी नहीं है। इसके बाद आपके लिए आंसर है इस टॉपिक के लास्ट नंबर 3 का, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जो आपके दिल में रहता है वही आपका लवर है, सो जो भी है आपके दिल में वही है आपके। इसके बाद आपका सेकंड टॉपिक है कि वो आपसे दूर तो नहीं जाएगा कभी आगे जाकर फ्यूचर में, ये टॉपिक बोला है ये सब्सक्राइबर ने। आंसर देखने के लिए 4, 5 या 6 नंबर चूज़ करना है आपको। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चूज़ किया है नंबर 6 को तो आपका आंसर है ये, आपसे दूर वो रह नहीं सकता, इसीलिए आपसे दूर वो कभी जा नहीं सकता आगे जाकर। इसके बाद आपके लिए आंसर है इस टॉपिक के नंबर 5 का, जो कि है आपका, इन फ्यूचर वो जा सकता है आपसे दूर, किसी वजह से दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हो। देन इसके बाद आपके लिए आंसर है 4 नंबर का, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है आपका। नहीं, वो आपसे कभी नहीं दूर जाएंगे। अब आपका लास्ट टॉपिक है, अगर वो आपकी लाइफ से चले गए हैं तो क्या आपकी लाइफ में वापस आएंगे वो अब या नहीं। 7, 8 या 9 नंबर आपको कोई एक चूज़ करना है, उसके बाद आंसर देखेंगे। सबसे पहले आपके लिए आंसर है नंबर 8 का, इसमें फ्रेंड्स, आएगा बट पहले जैसा प्यार नहीं होगा अब दोनों के बीच, वो आपकी लाइफ में तो वापस आएगा बट प्यार पहले जैसे नहीं रहेगा दोनों में। नंबर 7 का आंसर आपके लिए है ये वाला, नहीं आएगा वो आपकी लाइफ में वापस, दोनों अब दूर ही रहने वाले हो अगर दूर हो गए हो एक दूसरे से तो। नंबर 9 का आंसर है आपके लिए ये वाला, वो जल्द वापस आ सकता है आपकी लाइफ में। बाय।